हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंटर लाइव। WWE समर स्लैम हाइलाइट्स 3 अगस्त 2024। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमी जेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच हुई थी फाइट, और ब्रॉन ब्रेकर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत लिया। उसके बाद उसका मेगा स्टार एली नाइट और लोगन पॉल के बीच हुई थी फाइट। बहुत ही अमेजिंग फाइट इन लोगों के बीच में हुई, जो एली नाइट ने ये फाइट जीत ली और न्यू यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन बन गए और नाया जैक्स WWE वुमेन्स चैम्पियन। टिफिनी सडन डिस्ट्राइक करने की कोशिश की और अपना ब्रीफ केस को कैश इन करना चाहे, मगर बेली ने उन्हें काम कर दिया। क्वीन ऑफ द रिंग नाया जैक्स WWE वुमेन्स चैम्पियन। डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद से लिव मॉर्गन ने अपना टाइटल रिटेन किया है। डोमिनिक मिस्टीरियो फर्स्ट आए थे, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ रिया रिप्ले के साथ इंटरव्यू दी उनकी, और डोमिनिक मिस्टीरियो का डिस्ट्रैक्शन और लिव मॉर्गन को इनडायरेक्टली हेल्प करे, जिसकी वजह से रिटेन किया था लिव मॉर्गन ने अपना WWE वर्ल्ड चैम्पियन। ड्रू मैकिन्टायर ने सीएम पंक को हरा दिया है। ड्रू मैकिन्टायर और सीएम पंक के बीच थे स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ फ्रैंकिन रॉलिंस। सेथ फ्रैंकिन रॉलिंस को भी अटैक किया था ड्रू मैकिन्टायर ने, और सीएम पंक ने भी उनको उठाकर पटक दिया था। फाइनली दोस्तों, ड्रू मैकिन्टायर ने मैच जीत लिया और सीएम पंक को हरा दिया, और इसी के साथ उनका ये फ्यूड खत्म हो गया। अब ये देखें तो सीएम पंक का नेक्स्ट फ्यूड किसके साथ शुरू होता है, और ड्रू मैकिन्टायर को क्या नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है या नहीं। फाइनली दोस्तों, मैच स्टार्ट हुआ है सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रूड्स के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा ने ब्लड लाइन रूल्स के लड़ने के लिए कहा था, और कोडी रूड्स ने एक्सेप्ट भी किया था। फाइनली कई दिनों के बाद आफ्टर रेसलमेनिया रोमन रेंस की वापसी हुई है लास्ट में, और सोलो सिकोवा को हरा कर कोडी रोड्स को जिता दिया है रोमन रेंस ने। न्यू ब्लड लाइन का फैक्शन कोडी रोड्स को हराने की कोशिश की पर वो नाकाम रहे। फाइनली द ओरिजिनल ट्राइबल शेफ रोमन रेंस बैक इन WWE। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हंटर लाइव। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।